प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नामांकन संपन्न। 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर होगा मतदान। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी जनसभा, प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं की समाप्त। बिना किसी पूर्व सूचना के एक साथ अवकाश पर जाने के कारण एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं पर पड़ा था असर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलन से की वार्ता। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर हुई चर्चा। बांग्लादेश में भी मनाई गई रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती। कई स्थानों पर किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। डीआरडीओ की राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन सत्र में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा, रक्षा क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता है भारत। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स 11 के बीच होगा मैच। धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।